नमस्कार दोस्तों, हम रामकलश यादव। दोस्तों, मेरे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूँ कि जब भी हम गेहूँ की बुआई करते हैं तो ऐसा जो हमारे नए किसान भाई हैं, ऐसा उनके अक्सर मन में होता है कि हम बुआई करने के कितने दिन बाद पहला पानी देना चाहिए हमारे गेहूँ को। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो सबसे अच्छा कब होता है सिंचाई करने का, और समय से पहले अगर हम सिंचाई करते हैं तो फ़ायदा क्या क्या है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम समय से सिंचाई कर देते हैं तो उसमें जो पौधे होते हैं गेहूं के, उसमें ब्यास निकलता है, जैसे कि एक पौधे में से दो से तीन पौधे निकलते हैं। अगर हम सिंचाई लेट कर देते हैं तो वही पौधे जो है खराब हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अगर समय से पहले सिंचाई किया जाता है तो होगा क्या कि उस पौधे में मजबूती बनी रहेगी और एक पौधे में से दो पौधे तीन पौधे निकलने लगते हैं। तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। दोस्तों, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमें पहला पानी कितने दिन के अंदर अंदर दे देना चाहिए। ऐसा जो हमारे बुजुर्ग किसान थे जो कि बहुत दिनों से उन्हें अनुभव रहा, तो उनका यही कहना रहा कि अगर आप लोग जो है गेहूं के फसल को बुआई कर दिए हैं तो गेहूं की फसल के लगभग 18 से 21 दिन के अंदर अंदर हमें पहला पानी दे देना चाहिए। अगर हम इतने दिन के 18 से 20 दिन के अंदर अंदर पानी दे देते हैं तो हमारा जो गेहूं होगा उसमें अच्छे तरह से ब्यास निकलेगा, यानी कि एक पौधे में से दो से तीन पौधे निकलेंगे, पौधे मजबूत बनेंगे और वो तेज़ी से उनका विकास होगा। अगर हम वही बहुत लेट करके सिंचाई कर देते हैं तो पौधे में ज़्यादा ब्यास भी नहीं निकलेगा, यानी एक पौधे में से दो तीन पौधे भी नहीं निकलेंगे और पौधे भी जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसके लिए हम अपने नए किसान भाई से और सभी जो भी किसान भाई हैं उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग गेहूँ की फसल की बुआई कर दिए हैं तो लगभग 18 से 21 दिन के अंदर अंदर अपने गेहूं के फसल को जो है सींच दें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो आज करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं।